अरे होई को तेरी
सुनी हो। लेकिन गाने वालों के ढंग और कवियों की कविता में थोड़ा सा फर्क होता है। अपने दिमाग को लगाइए कहां कि गुरु द्रोणाचार्य के घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। मेरे प्रिय बंधु, आज माता ने कहा, हे प्राणनाथ, हे प्रिय, मेरे स्तनों में इतना दूध नहीं कि जो मैं इस बच्चे की उधर पूर्ति कर सकूं। मेरी खातिर नहीं, इस बच्चे की खातिर एक दूध देने वाली गाय की व्यवस्था कर दीजिए। जब ये वचन कौन के गुरु द्रोणाचार्य सुनते हैं, कहने लगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्यों कि जो मेरा मित्र है, मेरा यार है, एक राजा है जिसका नाम द्रौपद है, आप एक गाय की कहती है मैं हजारों गाय ला सकता हूँ। लेकिन अर्थ में लिखा कि मन में मगन भयो फिर द्रोणा, अरे मन में मगन भयो फिर द्रोणा, और भूप द्रुपद ढिंग आयो है, और यार की जाने बात कही और गुरुकुल याद जलायो है। सो द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया, द्रोणा कहे अरे सुन द्रुपद भैया, और यार को फर्ज निभाए दे एक गाय या दूध की खाए। मेरे प्रिय बंधु हो, आज राजा द्रुपद से गुरु द्रोणाचार्य गाय का सवाल करते हैं, लेकिन वो राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य को क्या जवाब देते हैं, सुनिए भैया क्या बताया मास्टर।
बराबर बारो। किसने कहा? राजा द्रुपद ने। किससे कहा? गुरु द्रोणाचार्य से। कैसे कहा? कि ये यार ही करे बराबर बारो और तुम यार समझ रहे हो अपनो ही। अरे एक गाय के हेत ब्राह्मण देख रहे हो क्या सपनों में? सो राजा रंक में सोच ब्राह्मण, राजा रंक में अरे सोच ब्राह्मण और यारई होगी कैसी? अरे द्रोणाचार्य ते भग जाव तेरी यारई देख। जब गुरु द्रोणाचार्य ये वचन सुनते हैं आज चौक में जवाब दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं भैया?